दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल बुधवार को आखिरकार भारत पहुंच गए। फ्रांस के मेरिग्नैक एयरबेस से करीब 7000 किलोमीटर सफर तय करने के बाद दोपहर करीब 3:10 पर वायुसेना के अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहला राफेल विमान उतरा। तो आज हम बताने वाले हैं राफेल की ताकत के बारे में कि यह कितना खतरनाक है और इसमें क्या क्या खासियत है। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतीय राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता, लेकिन चीन का J-20 फाइटर जेट कई मामलों में राफेल को टक्कर देता है। लेकिन चीन के फाइटर जेट का जवाब भी हमारे पास है, तो आइए जानते हैं कि राफेल में क्या क्या खासियत है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूरी विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है उस विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल में तीन तरह की मिसाइलें लगेगी, हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर और स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार सकती है, जबकि हैमर यानी कि हाईली एजिल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक ऐसी मिसाइल है जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है। राफेल एक मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल की गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से दोगुनी स्पीड। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। यह पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतारा जा सकता है। राफेल चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। इसका टारगेट अचूक होगा। 360 डिग्री विजिबिलिटी की वजह से पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है, बाकी काम कंप्यूटर कर लेता है। राफेल विमान एक बार में करीब 26 टन वजन ले जा सकता है। यह महज एक मिनट में 36,000 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। राफेल पर लगी गन एक मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है।